अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? आप लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने एजुकेशन का घर स्कूल और कम्युनिटी ये चैप्टर हमने किया था, स्टार्ट टॉपिक किया था। तो आज हम उससे आगे हमने करना है पेज नंबर 34 पे, ठीक है? तो बेटा पेज नंबर 34 होकर गए, तालीम से मुतलका इदारे, यानी कि तालीम से मुतलका स्कूल है और मदरसे हैं, लेकिन उनके अलावा भी कुछ डिपार्टमेंट है, कुछ जो है इंस्टीट्यूट्स है जो कि तालीम फराहम करने के लिए मददगार होते हैं, मामन होते हैं। तो इसके लिए क्या है कि मुल्की सतह पर वजारत तालीम इफराद माशरा के लिए सहूलियात फराहम करती है, लेकिन घर स्कूल और माशरे के अलावा बहुत सारे तालीमी इदारे जो है इस अमल में मामलत करते हैं, यानी कि इस अमल में मदद करते हैं, तालीम आगे पहुंचाने में मदद करते हैं। इन इदारों में से मारूफ इदारों का जिक्र हम करेंगे, यानी कि कुछ मशहूर इदारे जो कि बहुत ज्यादा काम करते हैं, फाल रहते हैं इस अमल में, हम उनके बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले क्या है वफाकी वजारत तालीम के तहत शोबा निसाब साजी, ठीक है? शोबा निसाब साजी जो है ये काम कर रहा है, जिसके तहत पहली क्लास से लेके बारहवीं क्लास तक, यानी सेकेंड ईयर तक, फर्स्ट क्लास से लेके सेकेंड ईयर तक जो है कौमी निसाब मुरतब किया जाता है, कौमी यानी पूरे मुल्क की सतह पर ये निसाब जो है मुरतब किया जाता है। लेकिन उसके बाद अब क्या हुआ कि 18वीं तरमीम जो थी वो बनाई गई, और उसके बाद 9वीं तरमीम के बाद जो है निसाब साजी का इख्तियार सूबों को दे दिया, यानी पहले पूरे मुल्क की सतह पर काम किया जाता था, अब उसका इख्तियार जो है सूबों को डिवाइड कर दिया गया, यानी हर सूबा अपने मुताबिक जो है निसाब तैयार करेगा। अब ये सूबों की जिम्मेदारी है कि पहली जमात से बारहवीं जमात तक की निसाब साजी का काम सर अंजाम दें, यानी कि अब किसकी जिम्मेदारी यह होगी? सूबों की। पहले मुल्की सतह पर होता था, अब ये सूबों को इख्तियार दे दिया गया, तो सूबों की जिम्मेदारी है कि वो पहली क्लास से लेकर बारहवीं क्लास तक जो है इसकी निसाब साजी का काम सरंजाम दें। दर्सी कुतुब की तबात और मयारी कुतुब की फराहमी सूबाई टेक्स्ट बुक बोर्ड की जिम्मेदारी है, सूबाई टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो दर्सी यानी कि जो कि स्कूलों में तालीमी इदारों में जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं, किताबें जो पढ़ाई जाती हैं, उनकी तैयारी, उनकी शाद यानी कि उनको छापना और उनको क्वालिटी वाइज उनको देखना, चेक करना, ये सारा काम माहरीन की निगरानी में किया जाता है, अच्छी किताबें तैयार की जाती हैं, फिर उनको आगे तालीमी इदारों तक पहुँचाया जाता है। तो इसकी फराहमी जो है सूबाई टेक्स्ट बुक बोर्ड की जिम्मेदारी है। टेक्स्ट बुक बोर्ड में माहीने तालीम और माहीने मजदूर मिलकर निसाब की रोशनी में दर्सी कुतुब की तैयारी और फराहमी में अपना किरदार अदा करते हैं। टेक्स्ट बुक बोर्ड आपने देखा होगा जब आप अपने स्कूल की बुक्स पढ़ते हैं जो कि गवर्नमेंट की बुक्स होती है, ठीक है? तो उसमें टेक्स्ट बुक बोर्ड उसके ऊपर लिखा होता है। तो ये बुक्स जो है ये माहीने तालीम और मजमून मिलकर निसाब की रोशनी में ऐसी किताबें तैयार करते हैं। बोर्ड उसके बाद है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। अब इसका क्या काम है कि तलबा को सानवी और आला सतह पर, सानवी क्या होता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, और आला सतह यूनिवर्सिटी लेवल तक आ जाता है, तो सानवी और आला सतहों पर तालीम की तकमील पर असनाद तकसीम की जाती है, यानी कि जिनकी तालीम जो है कॉलेज की तालीम सेकेंड ईयर तक कम्प्लीट होगी उनको डिग्री दी जाती है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पर तालीम मुकम्मल होती है तो उसके लिए भी डिग्री दी जाती है। तो इम्तहान में यकसा मियार को पेश नजर रखा जाता है, यानी कि अब जो इम्तहानात होते हैं उसमें यकसा लेवल जो होता है उसको चेक किया जाता है। तलबा के स्नात की बुनियाद पर मुलाजमत या आला तालीम के इदारों में दाखिला ले सकते हैं, अभी जो ये जो डिग्री मिल जाती है सानवी तालीम और जो है उसके बाद जो आला सानवी दर्जे जो है यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर जो डिग्री मिलती है उसकी बुनियाद पर तलबा के जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर उन्होंने मजीद उसके आगे स्पेशलाइजेशन में करना है, कोई आगे अपने तालीम को जारी रखना है, तो उन डिग्रीज को दिखा कर जाहिर करके फिर वो इनकी बुनियाद पर उनको आगे तालीमी यानी एडमिशन होते हैं आला तालीम से मजीद आगे जो तालीम हासिल करनी होती है उसके लिए उनको इसमें एडमिशन दिए जाते हैं। तो ये डिग्रियाँ बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, और इसके अलावा मेहंदी और बैरूने मुल्क जो बुक्स तैयार की जाती हैं वो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो, क्योंकि हम तलबा नहीं ले सकते, हर किसी की पहुंच में ऐसी किताबें नहीं होती, तो इसके लिए क्या होता है कि महंगी और जो बैरूने मुल्क छपी हुई किताबें हैं उनको सस्ते दामों तलबा तक फराहम करना
भी जरूरी है। अब इसके लिए क्या किया जाता है कि इनके सस्ते दामों को फराहम करने के लिए इसकी जिम्मेदारी किसने ली है? नेशनल बुक फाउंडेशन ने। एक इदारा है जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन के नाम से है, तो वो अपनी खिदमत अंजाम देती है, यानी कि महंगी और जो बैरूनी मुल्क किताबें छपती हैं उनको तलबा तक पहुंचाने का काम नेशनल बुक फाउंडेशन करता है सस्ते दामों में, यानी कि इतने कीमत पर कि तलबा आसानी से उनको खरीद सके। ये इदारा इंजीनियरिंग क्लिप अकाउंट्स मैनेजमेंट कंप्यूटर का कानून और दिग्गर शोबों से मुतल्लिक किताब छाप कर सस्ते दामों फरोख्त करता है। ये जो इदारा है नेशनल बुक फाउंडेशन, ठीक है, ये इदारा जो है ये जो किताबें हैं इंजीनियरिंग की किताबें हैं, फिर टिब यानी मेडिकल से रिलेटेड तालीम जिन्होंने हासिल करनी है, ये मेडिकल की बुक्स है, उसके अलावा बैंक के में जो किस तरह से काम किया जाता है अकाउंट्स में उसकी किताबें हैं, फिर उसके बाद मैनेजमेंट दफातर में किस तरह से काम किया जाता है उसके मुताबिक तो तालीम हासिल की जाती है, फिर कंप्यूटर से रिलेटेड तालीम है, फिर इसके अलावा कानून यानी कि अदालतों में किस तरह काम किया जाता है उसके लिए भी अलग से डिग्री चाहिए होती है, उसकी भी तालीम हासिल की जाती है। ये सारी बुक्स जो है बहुत ज़्यादा महंगी होती है, तो नेशनल बुक फाउंडेशन जो है ये किताबें छाप कर सस्ते दामों तलबा को फरोख्त करता है, यानी कि तलबा तक ये किताबें सस्ते दामों फराहम की जाती हैं। असातिज़ा की तदरीस को मुअस्सर बनाने के लिए समय मसरी मामला बहुत अहमियत रखते हैं। अब असातिज़ा ने जो तालीम आगे बच्चों तक पहुँचानी है उसको असर अंदाज करने के लिए, बहुत ज़्यादा असर रखने के लिए, मुअस्सर बनाने के लिए क्या जरूरी है कि समय होता है सुनना और बसरी होता है देखना, ठीक है। तो ये दो मामला यानी कि दो जो है मददगार बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। वफाकी इदारा बना है आलात तालीम असातिज़ा के लिए सस्ते और काबिल अमल आलात और मामला तैयार करता है। अब एक इदारा है वफाकी इदारा बनाए आलात तालीम। अब जो जिस तरह मेडिकल की तालीम है, इंजीनियरिंग की तालीम है और कंप्यूटर की तालीम है, इनके लिए क्या चाहिए होता है? आलात की जरूरत होती है, जिस तरह मेडिकल के स्टूडेंट्स को सर्जरी के लिए जो है चाहिए होते हैं औजार, तो ये सारे जो आलात हैं इनको वफाकी इदारा बराए आलात तालीम, ठीक है, ये इदारा है जो कि ये साथ तक पहुँचाता है, स्कूलों तक पहुँचाता है आलात को इंजीनियरिंग से मुतल्लिक, कंप्यूटर से रिलेटेड और दूसरा टिप से मुतल्लिक, ठीक है। तो इस तरह के जो आलात हैं वो सारे स्कूलों तक पहुँचाए जाते हैं ताकि बच्चे प्रैक्टिकली तौर पर उनसे उनको इस्तेमाल करें और इन्हें के स्कूलों में सरकारी तौर पर फ्राहम किए जाते हैं। वक्त के साथ साथ तालीम भी महंगी होती जा रही है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तालीम जो है मजीद महंगी होती जा रही है, यानी किताबें महंगी होती जा रही है, स्कूलों की जो फीस वगैरह वो भी ज़्यादा होती जा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है कि किताबें महंगी होती जा रही हैं जो कि खरीदने के लिए वालदैन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और बाद अवकात क्या होता है कि लाइफ और मेहनती तालिब इलम जो है वो इस वजह से पीछे रह जाते हैं, उनको दरमियान में ही अपनी तालीम को छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो महंगी किताबें नहीं खरीद सकते और इस वजह से उनकी तालीम दरमियान में ही रह जाती है। इसके अलावा जो है ऐसे तलबा की मदद के लिए किसने जो है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन वज़ाइफ़ का अजरा करती है, एक और इदारा है जो कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से है, जो कि ऐसे तलबा जिनके पास माली वसाइल कम हैं वो महंगी किताबें नहीं खरीद सकते उनको स्कॉलरशिप देते हैं उनके लिए ताकि वो अपनी तालीम को दरमियान में ना रोक सके, आगे जारी रख सके अपनी तालीम और जो उनको मुश्किल पेश आ रही है किताबें खरीदने की उनकी मुश्किल दूर हो जाए। उस्ताद जो है निज़ामी तालीम का बहुत अहम रुकन है। असातिज़ा की तरबियत जो है वो दो सतहों पर की जाती है, यानी कि उस्ताद जो है उन्होंने बच्चों में तालीम देनी होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा अहम माशरे का अहम रुकन क्या है? उस्ताद, यानी कि उन्होंने बच्चों की तालीम और तरबियत करनी होती है, तो इसके लिए उनकी जो है दो सतह पर उनकी तरबियत की जाती है। एक तो उनको जब वो जॉब शुरू करते हैं उससे पहले उनको एक इम्तहान से गुजरना पड़ता है, उन इम्तहान उनको पास करने पड़ते हैं, जैसे NTS का नाम सुना होगा आप लोगों ने, टेस्ट होते हैं और इसके अलावा कोर्सेज भी होते थे शॉर्ट कोर्सेज, तो इसके जरिए से भी टीचिंग ट्रेनिंग दी जाती थी, तो इसके जरिए से जो है उनकी मुलाजमत से पहले उनको इन इम्तहान से गुजरना पड़ता है, तरबियत हासिल करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह वो जॉब स्टार्ट कर लेते हैं काम का शुरू हो जाता है, तो उसके दरमियान मुलाजमत के दौरान भी उनको थोड़े थोड़े अरसे के बाद उनकी जो ट्रेनिंग है तरबियत है दोबारा की जाती है, उसको बंदोबस्त भी किया जाता है शॉर्ट कोर्सेज के तौर पर। इस सिलसिले में हुकूमत के इदारे निजी और
तंजीमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। अब इसमें एक बहुत सी तंजीमें हैं जो कि अपने निजी तौर पर हैं, ज़ाती तौर पर बनी हुई हैं, वो आके तरबियत देती हैं। इसके अलावा हुकूमत भी इस ऐसे शॉर्ट कोर्सेज के तौर पे जो है टीचिंग के लिए इंतजाम करती है और उनको जो है उनकी तरबियत की जाती है। ये बेटा आज का आपका लेक्चर इतना था, पेज नंबर हमने 34 आज की रीडिंग की है और मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया। अब इसके मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, आप अपनी नोटबुक निकाल लें, इसको नोट कर लें। सवाल नंबर एक है, वफाकी में सारी तालीम, वफाकी वजारत तालीम के तहत शोभा की सालसाजी में क्या काम शोभा की सालसाजी क्या काम करता है? ओके, इसके बाद मेरा इसका आंसर देखिए पेज नंबर 34 पर। यहाँ से देखिए फर्स्ट पैराग्राम तालीम से मुतल्लिका इदारे, सेकंड लाइन में देखिए पहले वफाकी वज़ारत तालीम के तहत शोभा नसाबसाजी का काम करता था। यहाँ से वफाकी वज़ारत तालीम के तहत शोभा नसाबसाजी का काम करता था, जिसके तहत यहाँ से लेकर और आपने कहना है कौमी निसाब मुरतब होता है, इसके थर्ड लाइन में आ रहा है कौमी निसाब मुरतब होता है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 नोट करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबों को क्या अख्तियार दिया गया? अठारहवीं तरमीम यानी इससे पहले क्या था वफाकी तौर पे, ठीक है, सारा राज्य निसाब तैयार किया जाता था, लेकिन अठारहवीं तरमीम जब पास होगी तो उसमें क्या कहा गया कि हर सूबे को उनके अख्तियार दे दिए गए, कि हर सूबा अपने सूबे के लेवल के मुताबिक अपनी जो है निसाब तैयार करेगा। तो इसका आंसर देखिए बड़े यहाँ से थर्ड लाइन में आ रहा है, तालीम से मुतल्लिका इदारे टॉपिक है उसमें थर्ड लाइन में 18वीं तरमीम यहाँ से लेकर और जहाँ पे ये पैराग्राफ एंड हो रहा है निसाब साजी का काम सर अंजाम देता है, ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर है सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दसवीं कुतुब की तपास, दसवीं कुतुब कौन स्कूलों में पढ़ाई जाती है, दसवीं कुतुब की तपास किसकी जिम्मेदारी है? क्वेश्चन नंबर 3 के बेटे, दसवीं कुतुब की तपास किसकी जिम्मेदारी है? सेकंड पैराग्राफ में देखिए दसवीं कुतुब की तबाद, यहाँ से आप देखना शुरू करें दसवीं कुतुब की तबाद और मेयारी कुतुब की फरामी, सूबाई टेक्स्ट बुक बोर्ड की जिम्मेदारी है। टेक्स्ट बुक बोर्ड में माहिरीन तालीम और माहिरीन मजमून मिलकर और निसाब की रोशनी में दसवीं कुतुब तैयार करते हैं और उनकी फरामी में अपना किरदार अदा करते हैं। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का क्या काम है? क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, थर्ड पैराग्राफ, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी
एजुकेशन तलबा को सानवी और आला सानवी दर्जों तक की तालीम की तकनीक पर स्नातक सीम करते हैं, ठीक है। और इम्तहान में हमेशा मियार को पेश नज़र रखा जाता है और तलबा में स्नातक की बुनियाद पर मुलाजमत या आला तालीम हासिल करने के लिए दाखिला ले सकती है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। नेशनल बुक फाउंडेशन क्या खिदमत अंजाम देती है? जैसे मैंने आपको बताया था कि जो तलबा महंगी किताबें नहीं ले सकते क्योंकि तालीम दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, किताबें भी महंगी होती जा रही है, तो कुछ तलबा जो है उनके माली वसाइल नहीं कि वो जो है ये महंगी किताबें खरीद सके, तो इसीलिए नेशनल बुक फाउंडेशन जो है उसने इतना जो किरदार अदा किया है, उसकी जिम्मेदारी क्या है कि नेशनल बुक फाउंडेशन की खिदमत जो है किस तरह अंजाम देती है कि महंगी और बैरून मुल्क छपी हुई जो किताबें हैं उनको सस्ते दाम में तलबा तक फराहम करना उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आप अपनी बुक में भी निशान लगा लें ये महंगी और बैरून मुल्क में छपी हुई किताबें यहाँ से लेकर और खिदमत अंजाम देती है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, हमने ये भी पढ़ा था पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, तलबा की मदद कैसे करती है? ये उसकी नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें, उसमें नेशनल बुक फाउंडेशन से आगे पंजाब एजुकेशन सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में है पंजाब एजुकेशन। ये देखिए वक्त के साथ तालीम भी महंगी होती जा रही है, यहाँ से आपने शुरू करना है टेस्ट का आंसर और अपनी तालीम मुकम्मल कर सके। ये 2 लाइंस में आ रहा है अपनी तालीम मुकम्मल कर सके। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 नोट करें। असातिज़ा की तरबियत के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि साथ के लिए फिर उनकी ट्रेनिंग की जाती है, उनकी तरबियत की जाती है, तो उनको जॉब यानी कि शुरू करने से पहले मुलाजमत से पहले ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। तो वो जो तरबियत है इसमें आप देखिएगा इसमें आ रहा है तरबियत होती है जो कि हुकूमत भी करवाती है और कुछ निजी तंजीमें जो है वो भी करवाती है। तो ये बेटा आप अपने क्वेश्चन जो है बुक के ऊपर मार्क कर लें और उनको अपनी नोटबुक पे आप लोग नोट कीजिएगा ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो और थोड़ा स्कूल लर्निंग वगैरह साथ साथ करते रहें क्योंकि आप लोगों ने बोर्ड के पेपर भी देने हैं तो आपकी तैयारी भी साथ अच्छी हो जाए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। आपका लेक्चर कम्प्लीट है।